हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं बेटा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 हाइड्रोजन। देखिए बेटा, जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन जो होता है बेटा, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट होता है। यानी हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ या फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ये फर्स्ट एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इज ऑफन कॉल्ड प्रोटियम। इसको बेटा हम प्रोटियम कहते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोटियम? क्योंकि प्रोटियम का मतलब होता है फर्स्ट। प्रोटियम का मतलब क्या होता है? मीनिंग फर्स्ट, ठीक है। इसीलिए से क्या कहते हैं बेटा, हम प्रोटियम भी कहते हैं हाइड्रोजन को। देखिए बेटा, जब हम बात करते हैं ये हाइड्रोजन वर्ड आया कहाँ से। देखिए बेटा, जब हम ग्रीक की बात करते हैं तो जब हम कहते हैं बेटा ग्रीक में बात करते हैं, चलिए ग्रीक वाले में चले जाते हैं, तो हाइड्रोजन, तो हाइड्रो क्या होता है बेटा, यहाँ पे जो ये वर्ड है हाइड्रो और जन, टू वर्ड से मिलके बना है हाइड्रोजन। हाइड्रो मतलब आप भी जानते हो क्या होता है बेटा, हाइड्रो मतलब होता है वाटर, ठीक है बेटा। और जन मतलब क्या होता है? फॉर्मिंग। ऐसे यानी ऐसे एलिमेंट्स कि बेटा जब इसको क्या करते हैं, हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो ये किसकी फॉर्मेशन करते हैं बेटा? वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। सो दे आर कॉल्ड हाइड्रोजन। It is called hydrogen. क्यों बेटा? Because when it burns with air or oxygen, तो ये हमें देते क्या बेटा? Gives water, यानी H2O की formation करते हैं। That's why they are called hydrogen. ठीक है बेटा। अब जब हम बात करते हैं बेटा हाइड्रोजन की, सिंपल सी बात है, तो हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है बेटा वो क्या होता है हमारे पास? H। इसका सिंबल क्या है? H, ठीक है बेटा। एंड इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटा, एज इट्स एटॉमिक नंबर इज, एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा इसका? 1। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते बेटा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s1, ठीक है बेटा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी? 1s1। अब इसके बाद बात करते हैं इसका जो एटॉमिक मास होता है बेटा, ठीक है बेटा। जब हम एटॉमिक मास की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक मास भी कितना होता है? 1 होता है बेटा, ठीक है बेटा। तो ये इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ है। अब हम बात करते हैं जो हाइड्रोजन होता है बेटा, ये नेचर में हमें 3 फॉर्म में एग्जिस्ट मिलता है बेटा। यानी हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाँ जी बेटा, तो जो हम बात करते बेटा, सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो होता है प्रोटियम, ठीक बेटा। उसका जो सिंबल होता है, जब हम सिंबल की बात करते हैं तो वो होता है H11, ठीक बेटा। इसमें जब हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, और इसका बेटा मास नंबर हो जाता है 1, और ये बेटा नॉन रेडियोएक्टिव इन नेचर होता है। कैसा होता है? नॉन रेडियोएक्टिव इन नेचर। दूसरा जब हम बात करते हैं, दूसरा हमारे पास है ड्यूटेरियम, और लास्ट हमारे पास होता है बेटा ट्रीटियम।
ड्यूटेरियम का भी एटॉमिक नंबर वन, इसका भी एटॉमिक नंबर वन, बट जो मास नंबर होता है यानी एटॉमिक मास होता है वो क्या हो जाते हैं, डिफर हो जाते हैं, ये भी नॉन रेडियो एक्टिव होता है। और बट जो ट्रीटियम हमारे पास होता है दैट इज़ रेडियो एक्टिव इन नेचर। इसीलिए बेटा देखिए इसका सिंबल या तो हम H से रिप्रेजेंट करते हैं या H11 से इसको, प्रोटियम को, ड्यूटेरियम को D से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम और H12, क्योंकि मास नंबर कितना है इसका, मास नंबर 2 है इसलिए 2 और एटॉमिक नंबर 1, ये इसका सिंबल है बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं H13, ये ट्रीटियम, और ट्रीटियम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। दीज आर द आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है बेटा, कि क्या है ये हमारे पास आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसकी पोजीशंस की। अभी हमने कहा बेटा ये जो हमारे पास हाइड्रोजन होता है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास कौन सा एलिमेंट होता है, इट इज़ द फर्स्ट एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी फर्स्ट एलिमेंट है। फर्स्ट एलिमेंट होने के बावजूद भी बेटा इसकी जो पोजीशंस हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं है। तो जो हमारे पास नेक्स्ट आइडी आती है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हाँ जी बेटा, जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा है बेटा, जो हाइड्रोजन हमारे पास होता है इसकी जो पोजीशन होती है इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज, इट इज़ नॉट फिक्स्ड। क्यों फिक्स्ड होती है बेटा, क्योंकि इसकी कुछ फ्यू प्रॉपर्टीज़ जो हम बात करते हैं रिजेंबल्स करती है हाइड्रोजन्स के साथ, एंड फ्यू प्रॉपर्टीज रिजेंबल्स विद ग्रुप फर्स्ट यानी एल्किली के साथ। द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन is not fixed in modern periodic table as its few properties resembles with बेटा किसके साथ रिजेंबल्स करती हैं, रिजेंबल विद ग्रुप फर्स्ट, मतलब किसके साथ बेटा, एल्किली के साथ, एल्किली की मेटल्स के साथ, एंड फ्यू विद्स, फ्यू प्रॉपर्टीज विद ग्रुप 17, मतलब किसके साथ, हैलोजन्स के साथ। इसी वजह से बेटा इसकी पोजीशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है, फिक्स नहीं होती। अब ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, उसमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ लेते हैं बेटा, कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो उसको रिजेंबल्स करते हैं ग्रुप फर्स्ट या ग्रुप सेवनटीन के साथ। देखिए बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं रिजेंबलेंस विद ग्रुप resemblance with group first alkali metals के साथ बेटा। हाँ जी बेटा, जब हम इसको alkali metals के साथ resembles करते हैं बेटा, तो सबसे पहला जो इसका point आता है that is electronic configuration। हाँ जी बेटा, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात करते हैं, आप भी जानते हो हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही होता है, और हाइड्रोजन हैज़ वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, ठीक है बेटा। और ये प्रॉपर्टीज किसके साथ रिजेंबल्स कर गई, लाइक एल्कली मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल बेटा देखिए, जैसे हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s1। ऐसे जब लिथियम की बात करते हैं तो बेटा लिथियम का इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर 3 क्या हो जाएगा, 1s1 और 1s2,
2s1। देखो आखिरी शेल में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे देखिए बेटा, जब हम सोडियम की बात करते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, तो क्या आएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ठीक है बेटा, ऐसे नेक्स्ट पोटेशियम की बात करते हैं, पोटेशियम के अंदर जब एंड में आएंगे तो क्या आ जाएगा, 4s1 आ जाएगा। पोटेशियम में कौन सा आ जाएगा, स्टार्टिंग से लेते हैं 4s1, एटॉमिक नंबर 19। तो इस टाइप से बेटा ये आगे की तरफ मूव करते हैं, तो आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, साफ साफ 1 1। तो इसी वजह से बेटा ये रिजेंबल्स कर जाता है किसके साथ, ग्रुप फर्स्ट के साथ। दूसरा रीज़न है बेटा कि हाइड्रोजन क्या करता है बेटा, मोनोवेलेंट कैटायंस की फॉर्मेशन करता है, यानी ये जो है बेटा आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। Like alkali metals, hydrogen forms monovalent cation। ठीक बेटा, जैसे ये क्या बनाता है, एच पॉजिटिव बना लेता है, जैसे लिथियम भी प्लस बना लेता है, इस टाइप से बेटा ये भी क्या बनाता है, मोनो वेलेंट कैटायंस की फॉर्मेशन करता है बेटा, यानी आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल। ठीक है बेटा, इसी वजह से बेटा इसको हम क्या कहते हैं, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया। तीसरी हम बात करते हैं बेटा ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ जी बेटा, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आप भी जानते हो प्लस 1 होती है। ठीक है बेटा, इसी वजह से इन देयर कंपाउंड्स, यानी एल्कली मेटल्स की बात कर रहे हैं या फिर हाइड्रोजन की बात करो, बोथ हाइड्रोजन एंड एल्कली मेटल्स शोज प्लस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए बेटा कैसे, दोनों का एक एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे सबसे पहले हम HCl की बात करते हैं और यहाँ पे NaCl की बात करते हैं, यहाँ पे H का प्लस 1 हो गया और क्लोरीन का माइनस 1, सोडियम का भी प्लस 1 और क्लोरीन का माइनस 1। देख रहे हो दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा, यहाँ पे दोनों की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई वो क्या आई, प्लस 1, यानी हाइड्रोजन की भी और सोडियम की भी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट आता है बेटा, ये क्या होता है बेटा, हमारे पास इसकी एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की तरह, जब हम बात करते हैं बेटा एज दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, तो ये क्या करते हैं, रेडिली कंबाइन करते हैं किसके साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ, यानी एफिनिटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स। ठीक बेटा, जैसे एल्कली मेटल्स ग्रुप 17 के साथ जल्दी से जल्दी रिएक्ट करता है, ऐसे हाइड्रोजन भी जल्दी जल्दी किसके साथ रिएक्ट करता है, ग्रुप 17 के साथ रिएक्ट करता है। तो हम ये लिखेंगे, बोथ हाइड्रोजन एंड ग्रुप फर्स्ट मेटल्स। ठीक है बेटा, रेडली रिएक्ट विद ग्रुप 17 एलिमेंट्स, यानी इनकी बहुत ज़्यादा एफिनिटी टू इनके साथ रिएक्ट करने की। ठीक बेटा, सेम तो ये हो गई हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज किसकी, इसकी रिजेंबल्स करते हैं ग्रुप फर्स्ट के साथ। अब हम बात करते हैं ग्रुप 17 के साथ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज रिजेंबल्स करती है, रिजेंबलेंस विद ग्रुप 17 हैलोजन्स के साथ। और उसके बाद हम कहेंगे बेटा देखिए कि इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है, चलिए बड़ा मैं बता देता हूँ। देखिए बेटा, जब हम बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, ये डिफरेंस इसी में आ जाएगा, ये ग्रुप 17 वाले जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 17 वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे क्या हैं बेटा, आप भी जानते हो जो हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जितने भी होते हैं,
ये सारे के सारे क्या है, नॉन मेटल है, ये सारे क्या है, नॉन मेटल। और इसी वजह से बेटा हाइड्रोजन भी क्या है, नॉन मेटल्स है। इसी का एक पॉइंट ये हो गया कि ये भी हाइड्रोजन भी नॉन मेटल हो गया और ये भी नॉन मेटल हो गया। तो बहुत है टिपिकली नॉन मेटल करेक्टर, इसी वजह से भी ये इसको रिजेंबल्स करता है ग्रुप 17 के साथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा सेकेंड पॉइंट। देखिए ये जितने भी हमारे पास ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं, ये सारे के सारे नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, गैसेस की फॉर्म में, यानी डायटोमिक फॉर्म्स में, डायटोमिक नेचर की फॉर्म में। जैसे फॉर एग्जाम्पल F2Cl2Br2I2, ये सारे के सारे इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी डायटोमिक गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये डायटोमिक हो गया। सेम टू सेम जो हाइड्रोजन होता है बेटा, हाइड्रोजन भी क्या करते हैं, H2 की फॉर्म में, यानी डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं इन मॉलिक्यूलर फॉर्म बोथ एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म्स, ठीक है बेटा। थर्ड पॉइंट हम बात करते हैं, हाँ जी, थर्ड पॉइंट की जब बात करते हैं बेटा, अगेन वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिर्फ पढ़ाते बेटा। देखिए बेटा फ्लोरीन की जब हम बात करते हैं, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9, ठीक है। और इसकी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या आएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, 2s2, 2p5, ठीक है बेटा। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, क्या कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन जब ये गेन कर लेता है तो ये क्या बन जाता है, एफ नेगेटिव। और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो जस्ट सिमिलर हो जाती है, किससे, किससे जस्ट सिमिलर होगी, नोबल गैसेस से, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर टू या इक्वल टू या सेम दैट ऑफ नियोन, हो गई बेटा। ऐसे जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और 1s1, और आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन ये किस में बन जाता है बेटा, एच नेगेटिव। और एच नेगेटिव देखिए, जैसे हम बात करते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p क्या होगी बेटा, 6। ऐसे ही हाइड्रोजन की क्या होगी, 1s2, तो इसकी किसके जैसी होगी, हीलियम जैसी, जस्ट लाइक हीलियम। तो आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन ये खुद को क्या कर लेता है बेटा, नोबल गैस में कन्वर्ट कर लेता है। तो ये भी एक प्रॉपर्टीज हो गई किसकी तरह, यानी आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन खुद को किसकी तरह बना लेते हैं, नोबल गैस की तरह। तो ये भी इस कंपैरिजन हो गई, एग्जांपल्स कर गई। फोर्थ हम बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इसका एटॉमिक साइज छोटा होता है बेटा, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होती है, सेम एज हैलोजन्स, ठीक है बेटा। तो इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन्स आर कंपेरेबल, ठीक है बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं तो ये होती है 1312 के बराबर, फ्लोरीन की होती है बेटा 1680, क्लोरीन 1255। तो ये देखिए बेटा लगभग क्या है, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, लगभग सिमिलर होती है। और ये सारी यूनिट होती है बेटा किलो जूल पर मोल के अंदर बेटा, ठीक है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ किसको रिजेंबल्स करती है बेटा, ये दिखाती है कि ये ग्रुप 17 के साथ भी क्या करता है, रिजेंबल्स कर लेता है। तो दीज आर द फ्यू प्रॉपर्टीज़ विच शोज दैट कि जो हाइड्रोजन होता है ये रिजेंबल्स करता है किसके साथ बेटा, हैलोजन्स के साथ भी और एल्किली मेटल्स के साथ भी, ठीक है बेटा। तो इसी वजह से क्या होता है, ये हमारा इसकी जो पोजिशन होती है ग्रुप हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल में वो क्या नहीं होती, फिक्स नहीं होती बेटा। अब इसके साथ साथ हम क्या करते हैं बेटा, इसकी प्रिपरेशन करते हैं। तो प्रिपरेशन में क्या आता है, सबसे पहले हम 10th क्लास ही उठाते हैं। इस साल बेटा ये प्रिपरेशन हमारे सिलेबस में शायद नहीं है
ड्यू टू कोरोना की वजह से जो हमारे पास रिड्यूस हुआ है सिलेबस उसमें नहीं है। प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन ज़्यादा बड़ा नहीं है बेटा, टॉपिक छोटा सा ही है। सबसे पहले हम छोटी क्लासेस से शुरू करेंगे, यानी 10th क्लास में जो आपने पढ़ा था उससे शुरू करते हैं बेटा। हाँ जी बेटा, पहला जब हम बात करते हैं 10th क्लास में आपने पढ़ा था, जब भी हम मेटल्स को किसको बेटा मेटल्स को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी एसिड प्लस मेटल गिव्स, आप भी जानते हैं सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, उससे बना सकते हैं बेटा। तो प्रिपरेशन फ्रॉम एसिड्स एंड बेस, और इसे कहते हैं बेटा लैब मेथड, यानी लेबोरेटरी मेथड्स। और ये आपने 10th क्लास में पढ़ी थी। जैसे फॉर एग्जांपल जिंक की बात करते हैं, जिंक को जब हम HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, या जिंक को जब हम किसके साथ ट्रीट करते हैं बेटा NaOH के साथ ट्रीट करते हैं। देखिए जब जिंक को इसके साथ ट्रीट करते हैं तो हमारे पास क्या निकलती है, ZnCl2 प्लस H2 गैस इवॉल्व होती है बेटा। और ये H2 क्या ऐसी साउंड देती है बेटा, पॉप ऑफ साउंड देती है हमें। ये आपने एक्सपेरिमेंट भी किया था 10th क्लास में। सेम बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देते हैं बेटा, जब इसके NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो ये फॉर्मेशन करता है Na2ZnO2, और ये आपका कहलाता है सोडियम जिंकेट प्लस H2 गैस क्या होगी, इसके अंदर से लिबरेट होगी। तो ये हमारे पास है जो हमने 10th क्लास में एल्यूमिनियम के साथ किया था बेटा से, ठीक है। तो ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। दूसरी बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। हाँ जी बेटा, देखिए जब हम वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, आप भी जानते हो जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे यानी वाटर के अंदर थोड़ा सा अमाउंट में क्या डाल देते हैं बेटा, जब हम एसिड डाल देते हैं तो एसिड डालने के बाद वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि वाटर इज इंसुलेटर। जो प्योर वाटर होता है यानी डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है। उसको कंडक्टर बनाने के लिए हम क्या डालते हैं बेटा, स्मॉल अमाउंट में उसमें एसिड ऐड करते हैं, जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करे, कंडक्ट करे। अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती तो ये टूट जाता है बेटा एच पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन। अब देखिए ये जो हम ये इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस में 2 इलेक्ट्रोड होगी, एक एनोड जाती है हमारे पास, दूसरी क्या होती है कैथोड। एनोड जो होती है बेटा ये हमारे पास कैसी होती है, एनोड कैसे होगी पॉजिटिव एंड कैथोड क्या होगी नेगेटिव होती है बेटा। तो देखिए पॉजिटिव पे कौन आएगा OH नेगेटिव, और नेगेटिव पे कौन जाएगा H पॉजिटिव। अब देखिए ये OH नेगेटिव क्या करता है बेटा, ये OH नेगेटिव कन्वर्ट होता है बेटा, सबसे पहले OH और एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है लूज करता है। ये OH फर्दर डिसोसिएट होता है बेटा एंड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2O, एंड क्या करता है बेटा O2 गैस लिबरेट आउट करता है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 लगाते हैं तो रिएक्शन को रिवर्स करते हैं, तो ये 4 और ये वाला भी 4 और ये 4 इलेक्ट्रॉन। तो आप इसको वन स्टेप में लिखते हैं 4OH नेगेटिव गिव्स 2H2O प्लस O2 गैस। अब यहाँ करते हैं बेटा ये H पॉजिटिव क्या करेगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ध्यान से देखना H में कन्वर्ट हो जाएगा। ये H जब दूसरे H के साथ रिएक्ट करता है तो किसमें चेंज होता है, H2 में कन्वर्ट होता है बेटा, H2 गैस में। और इसको आप एक स्टेप में भी लिख सकते हो, कैसे एक स्टेप में लिख सकते हो, इस स्टेप से बेटा H पॉजिटिव जब ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, यहाँ पे 2 लगा दीजिए बैलेंस करने के लिए, तो क्या आ जाएगा H2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा डायरेक्टली। तो इस फॉर्म में ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ये शॉर्ट में बता दिया बेटा। तो ये हमारे पास कुछ मेथड्स हैं बेटा इसके प्रिपरेशन करने के, ये तो छोटी क्लासेस के। अब हम बात करते हैं बेटा कॉमर्शियल मेथड्स, ये दोनों हमारे पास थे कौन से, लैब मेथड। अब हम बात करते हैं कॉमर्शियल स्केल्स पे कैसे बनाते हैं बेटा, कॉमर्शियल्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिसमें सबसे पहला आता है बेटा बाय कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस। देखिए बेटा जब हम कोल गैसिफिकेशन की प्रोसेस की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या करा बेटा, मीथेन जो हमारे पास मीथेन होती है ऑटोमेटिकली गैस की फॉर्म में, क्योंकि मोलर मास छोटा होता है बेटा गैस की फॉर्म में, जब इसके ऊपर हम क्या पास करते हैं, स्टीम पास कर देते हैं H2O गैस, एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू बेटा ये किस में कन्वर्ट हो जाती है,
CO गैस एंड H2 गैस में। ठीक है बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एट 1270 केल्विन टेम्परेचर पे। इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं बेटा, तो देखिए कार्बन ऑक्सीजन दोनों बैलेंस है, सिर्फ हाइड्रोजन 6 हो गया, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 लगा देते हैं। और ये जो मिक्सचर होता है इन दोनों का, द मिक्सचर ऑफ CO गैस एंड H2 गैस इज कॉल्ड वाटर गैस। इसे क्या कहते हैं बेटा, हम वाटर गैस कहते हैं। आल्सो कॉल्ड सिन गैस। सिन का मतलब होता है बेटा सिंथेसिस। इसे सिन गैस क्यों कहते हैं? आल्सो कॉल्ड सिन गैस बिकॉज दे आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन लाइक मिथेनॉल, जैसे CH3OH मिथेनॉल, मिथेनॉल, इस टाइप से बेटा इनकी प्रोडक्शन करने में यूज होते हैं। इसलिए इस वाटर गैस को हम क्या कहते हैं, इसको सिन गैस भी कहा जाता है बेटा। ठीक है बेटा, आप देखिए इसके लिए जब हम जनरल इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, देखिए एल्केन है CnH2n+2 प्लस, जब इसके ऊपर H2 गैस पास करते हैं, यहाँ पे N लगाते बैलेंस करने के लिए, निकल कैटलिस्ट एट 1270 केल्विन टेम्परेचर पे बेटा, तो इट विल गिव CO, N आ जाएगा प्लस 2n+1 H2 गैस। ये हमारे पास जनरल रिएक्शन है। तो ये तो पहली होगी फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से। अब दूसरी बात करते हैं कोल से बेटा, कोयले से। सी यानी कार्बन सॉलिड, ये हमारे पास क्या बेटा, प्योर कार्बन कॉक जिसे हम कहते हैं। जब अगेन इसके ऊपर हम क्या पास करते हैं, स्टीम पास करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एट 1270 केल्विन टेम्परेचर अगेन इट गिव्स CO+H2 गैस। अगेन दिस मिक्सचर इज कॉल्ड, क्या कहते हैं बेटा इसको, वाटर गैस, और जनरली इसको सिन गैस भी कहा जाता है बेटा। ठीक है, अब इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ H2 यानी H2 की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके बाय प्रोडक्ट को यूज करते हैं यानी कार्बन मोनोऑक्साइड को। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ H2 गैस, ठीक बेटा, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ H2 गैस द बाय प्रोडक्ट दैट इज CO इज ट्रीटेड विद, किसके साथ ट्रीट करते हैं बेटा, अगेन स्टीम के साथ ट्रीट करते हैं, treated with steam, and this reaction is called in the presence of catalyst kar lete hain, in the presence of theta catalyst that is FeCrO4 theta iron chromate kehte hain, kya kehte se iron क्रोमेट, और ये मिक्सचर होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ Fe2O3 एंड Cr2O3 कॉमा, द रिएक्शन इज कॉल्ड वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। बेटा क्या कहते हैं इसको, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, CO गैस प्लस, जब इस पे हमने क्या पास कर दी बेटा, स्टीम पास करी, इट विल गिव्स CO2 गैस प्लस, अगेन प्रोड्यूस हो गया बेटा H2 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट बेटा FeCrO4 आयरन क्रोमेट एट 673 केल्विन टेम्परेचर।
तो ये हमारे पास है बेटा प्रिपरेशन, ठीक है बेटा। अब जो हमारे पास नेक्स्ट शुरू होता है दैट इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। डाइहाइड्रोजन यानी डाइहाइड्रोजन नेचर में कैसे कैसे मिलती है, किस फॉर्म मिलती है, कैसे स्टेट में रहती है बेटा, ये किसके साथ रिएक्ट करती है, ये सारी चीज़ हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन के अंदर बेटा, ठीक है। हाँ जी बेटा, सबसे पहली बात, जब हम बात करते हैं बेटा डाइहाइड्रोजन कैसी होती है बेटा नेचर में, इट इज कलरलेस, ऑडरलेस एंड ये टेस्टलेस गैस होती है, ठीक है बेटा। और वेरी स्लाइटली सिंपल सेकंड पॉइंट लिख ले, इट इज वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। क्यों बेटा? क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, नॉन पोलर इन नेचर, इसलिए पानी में स्लाइटली सोल्यूबल है बेटा, ठीक है बेटा। और ये बहुत ज्यादा हल्के होते, इट इज द लाइटेस्ट गैस, ठीक है बेटा। एंड जब हम इसकी बात करते हैं बेटा, और इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, लो होता है, इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज वेरी लो। इसी वजह से बेटा इसको डिफिकल्ट होता है लिक्विफाई करना, डिफिकल्ट टू लिक्विफाई, ठीक है बेटा। ये हमारे पास होगी इसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज। अब हम शुरू करेंगे बेटा इसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में ये किस किस के साथ रिएक्ट करता है, ये सारी चीज़ पढ़ेंगे, और इस वीडियो में ये लास्ट होगी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में।